آز گٔے 10-12 ؤری یہِ کٲم کَران. یَتھ حظ چھِ وۄنۍ پرٛنٛٹ جام سوزنہِ چھِ پیپَر ماشی. یہِ چھُ وۄنۍ پانَس تام کُس رَٹہِ اِنسان. پیپَر ماشی کَروا پرٛنٛٹ کَروا. کٲم حظ چھِ دِوان اَسہِ وۄستہٕ. تِم حظ چھا بَنان ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ مےٚ حظ چھِ ییٚتی گَرے بٲیِس نِش. مےٚ گژھِ نہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ اَکھ جام کٔرِتھ. بہٕ حظ چھَس یَژھان بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ یہِ کٔرتھٕے اگر بَدل کینٛہہ. آز حظ چھَکھ پرٛابلِم گژھان مےٚ. مطلب مےٚ چھےٚ پَتہٕ تھوڑا بیٛاکھ ہِش کَران اگر زیادٕ بیٚہم. چھِ حظ چھُنہٕ بَنان بِہُن. آسان حظ جام آسان مےٚ زٕ ژور کامہِ لۄکچہِ فَردٕ تہِ آسان پانٛژھ شےٚ کَرِ منٛز لگ بگ پانٛژھ دَہ لگ بگ آسہِ پَلو تیُتھ چھِ آسان مٔزوٗرۍ تہِ مُختٔلِف قٕسٕم. اَہن حظ کُنہِ چھِ آسان 20 تہِ 30 تہِ. بہٕ چھَس رَٹان 20 وَنہٕ بہٕ. مطلب بہٕ چھَس لگ بہٕ چھَس نہٕ زیادٕ رَٹان یہِ بٔڑۍ. بہٕ چھَس رَٹان لۄکٹی. نہ حظ أسۍ نہٕ چھِ سرکارَس نہٕ کَران گُزٲرِش اگر کٕنان کینٛہہ. سۄ چھِ تکلیٖف تہِ زَنہِ اَمہِ موٗجوٗب اگر کَران کینٛہہ چھِ اَمہِ موٗجوٗب پَنُن روزگار. تھوڑا چھِ گژھان حظ چھُنہٕ بَنان بِہُن تہِ وۄنۍ خاص منٛز. बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे आपको दी जाती है, तो उससे आप किन किन सेक्टर्स में या आर्टिजन्स को कैसे आप फ़ायदा देते हैं? देखिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट में दो इम्पॉर्टेंट जो है डिसीजंस लिए गए. एक यहाँ पे जो है 2020 से पहले दो डिपार्टमेंट सेपरेटली काम करते थे, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम जम्मू कश्मीर और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर. दोनों का जो है वीवर्स के साथ आर्टिजन्स के साथ जो है तालमेल रहता था. तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है इससे शायद कन्वर्जेंस नहीं हो पाई थी. तो एक बड़ा डिसीजन हुआ है ये कि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट को ज़म किया गया और उसके बाद जो है डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जम्मू मार्जे वजूद में आया. उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमारा रीच आउट, हमारा जो कनेक्ट है आर्टिजन्स के साथ बढ़ गया. उसके बाद एक दूसरी डेवलपमेंट जो हुई वो हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी 2020 की आई. उस पॉलिसी ने एक रोड मैप दिया कि किस सिमत में हमको जाना है, कैसे काम करना है, आर्टिजन्स के साथ कैसे रीच आउट करना है, आर्टिजन का एम्पावरमेंट कैसे करना है, इस सेक्टर को कैसे रिजूवनेट करना है. तो 2020 के बाद हमारी कुछ स्कीमें आईं जिससे हमने आर्टिजन्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया. तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा एक स्कीम आया फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हम कोऑपरेटिव आर्टिजन्स को सोसाइटीज़ में एग्रीगेट करते हैं, फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं. उसके बाद आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की स्कीम आई, उसमें टिकट साइज, ये स्कीम पहले भी चलती थी लेकिन टिकट साइज़ इसका बढ़ गया, जिसमें टिकट साइज होता है इसका 1,80,000 और इंटरेस्ट सबवेंशन 7% का 5 साल के लिए रहता है. उसके बाद आर्टिजन्स के बच्चों का एजुकेशन स्कीम फॉर आर्टिजन्स आया. फिर एक और स्कीम हमारा ये आया कि जिसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव 10% हमने अनाउंस किया. जो एक्सपोर्ट्स हमारे GI सर्टिफाइड गुड्स होते हैं उनका जो है वैल्यू पे 10% का इंसेंटिव है. फिर एक और स्कीम हमारी आई कारखानदार स्कीम, जिसमें हमारे जो हमारे नामी ग्रामी आर्टिजन्स हैं, जो नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ हैं, शिल्प गुरुज़ हैं, उनके कारखानों को हमने डिक्लेयर किया एज कारखानाज एंड उसमें ट्रेनर और ट्रेनी दोनों को स्टाइपेंड मिलता है. और इस स्कीम की वसातत से हमने दो चीज़ें की. एक, हमने जो क्राफ्ट्स एक्सटिंक्शन के कगार पे थे, जैसे आपने सुना होगा कि ग्लेज पोटरी का क्राफ्ट है, फिलिक्री का क्राफ्ट है, सिल्वरवेयर का क्राफ्ट है. ग्लेज पोटरी में एक ही आर्टिज़न बचा था, फिलिक्री और सिल्वरवेयर में 2-4 आर्टिज़न रह गए हैं. तो इस स्कीम के तहत हमने उनको सपोर्ट किया और हमने ये इंश्योर किया कि कुछ लोग और इस सनत के साथ जुड़े और ये स्किल हासिल करें. इसमें और काम करने की ज़रूरत है, बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो है क्राफ्ट फिर से ज़िंदा हो.